स्क्वेयर रूट निकालने हैं हमें 144 और 81 का। तो देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमको अब प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, 144 का हमें स्क्वेयर रूट निकालना है, तो इसमें सारे ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करते चलो। कैसे, पहला ऑड नंबर है 1, दूसरा ऑड नंबर है 3, फिर है 5, फिर है 7। अब देखो क्या करना है, 144 माइनस 1 करो 143। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर ये नंबर लिखो, ठीक है, 143 में से 3 माइनस करा 140, राइट। अब यहां पर ये वाला नंबर लिखो, 5 माइनस करो 135। अब 135 में से 7 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा, 128। अब 128 में से अगला ऑड नंबर 9 माइनस करो तो यू गेट द आंसर एज 119। 119 में से अगला ऑड नंबर 11 माइनस करो तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 108। 108 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 13 माइनस करो, ठीक है, तो वी गेट द आंसर एज 95। अब 95 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 15, ठीक है, 15 आंसर क्या आ जाएगा, 80। 80 को कर लो, अगला ऑड नंबर क्या है, 17, ठीक है, इसको माइनस करो हमें मिलेगा 63। 63 यहां लिखो, नेक्स्ट ऑड नंबर 19, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 44। ठीक, अब क्या करेंगे हम, 44 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो 21, वी विल गेट द आंसर एज 23। अब क्या करेंगे, 23 यहां लिखो, अगला ऑड नंबर 23, क्या मिला, 0। रुक जाओ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी उसी नंबर से तो मुझे यही मिलेगा। लेकिन वो नंबर क्या है, तो हम क्या करेंगे, विल काउंट द स्टेप्स। अब हम स्टेप्स को काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स है, 12। ठीक है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट क्या है, 12 है, क्लियर है, 12 × 12 144 होता है, राइट। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमें निकालना है 81 का स्क्वायर रूट, तो क्या करेंगे, 81 में से पहले 1 माइनस करो, 80 आ गया, 80 यहां लिखो, अगला ऑड नंबर कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, 77। 77 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो 72, 72 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो तो क्या हमें मिलेगा, 65, 65 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो 9 तो ये आपको मिलेगा 56, 56 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो 11 तो ये हो जाएगा 5 और 3, 35, ठीक है, 45 मिलेगा, ठीक, चलो 45 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो 13 तो आपको मिलेगा 32, 32 में से नेक्स्ट ऑड नंबर माइनस करो तो विल गेट द आंसर एज 17, 17 में से अगला ऑड नंबर माइनस करो 17 तो मिलेगा 0। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, 9, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना है, 81 का 9, 9 9 81 होता है ना। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो पूरी वीडियो एक ही दफा में पढ़ाई कराई है ना, चलो अब की गर्मी है, सोचो गला सूख जाता है हमारा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 10,000। दो नंबर है, समझो एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, कितना प्रोडक्ट है इसका, 10,000। ठीक है, इफ वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, एक नंबर को मैं एक्स मान लू तो दूसरा नंबर कितना है, 16x। ठीक है, क्लियर, सिंपल हो गया ना। चलो इन दोनों का स्क्वायर 16x × x, x स्क्वायर। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर को इधर रखो, ये 16 में इधर ले लेती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट है ना तो इसको अंडर रूट कर दो। ठीक, अब देखो ये किसका स्क्वायर होगा, इसमें 2 0 है, इसमें भी 2 0 है, 1 0 इसका लो, 1 0 इसको, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, और ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 4 16। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करो, 4 की टेबल में 100 कब आता है, 25 टाइम्स।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये के पूछ रहे हैं कि फाइंड द नंबर्स, तो एक नंबर तो हो गया 25 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तो फिर वन ऑफ द नंबर को वन ऑफ द नंबर, एक नंबर 25 है और फिर अदर नंबर, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 16 टाइम्स उसका, तो मैं 16 इससे मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दूसरा नंबर मिल गया 400, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, राइट। चलो ये कह रहे हैं स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, इसका जो एरिया है इस स्क्वायर फील्ड का वो 576 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं इसका एस 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 एस, तो हम इसका जो है पहले ये एस स्क्वायर, ये तो 576 हुआ, इसका सबसे पहले हम एक साइड निकाल लेते हैं इस स्क्वायर की, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 है ना, तो देखो जब मैं इसका स्क्वायर 2 2s are 16, 2 8s are 16, 1 4 4, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 into 2, 1 2 3 4 5 6, वन टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालो, पेयरिंग बना लो इसकी, ये किसका पेयर है, 2 का, ये 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 2 2s are 4 into 12 नहीं 24, इसका मतलब एक साइड कितनी आ गई यहां पर 24 मीटर्स, राइट। अब ये कह रहे हैं कि अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज लेंथ हैज सेम पेरिमीटर, ठीक, देखो हम यहां पर इसका पेरिमीटर क्या हो जाएगा, देखो ये साइड गिवन है ना, तो अच्छा सॉरी ये तो आपका स्क्वायर है ना, स्क्वायर का पेरिमीटर क्या होता है, 4s होता है, सारी साइड्स को मिलाओ, ठीक है, तो 4 into 24, 4 4s are 16, 4 2s are 8, 9, 96, तो यहां पे जो स्क्वायर का पेरिमीटर आ रहा है वो आ गया 96 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि एक जो है रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसकी जो ब्रेथ है उसका ट्वाइस जो है उसकी लेंथ है, ठीक है, तो देखो यहां पे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, इसकी ब्रेथ बी है और इसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है, मतलब 2b है, ठीक है। अब देखो पेरिमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 into l plus b, ठीक है, यहां पे पेरिमीटर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का इसके इक्वल है जो स्क्वायर प्लॉट का, तो इसका पेरिमीटर 96 आ गया, ठीक है। मैं यहां पर l की जगह 2b रख लू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 into 3b is equal to 96, ठीक, तो देखो यहां से हमारा ये हो जाएगा 2 3 6 b is equal to 96, ठीक है। अब देखो b की वैल्यू देखते हैं, ब्रेथ कितनी आ रही है, 6b is equal to 96, ठीक है, तो ब्रेथ आ जाएगी यहां से हमारी 16 मीटर्स, ठीक। अब देखो अगर ब्रेथ 16 मीटर्स है तो लेंथ कितनी थी, 2 into b, ये कितनी हो जाएगी 2 into 16, ठीक है, इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी 32 मीटर्स, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं इसका एरिया निकालो रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, ये l into b, ये हो जाएगा 16 into 32, दोनों को मल्टीप्लाई करो, विल गेट द आंसर एज 512 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो।
वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।